सब्सक्राइब करें आपको अपना चैनल दी हेल्थी रिव्यूज़ को, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मिलती रहें फ्यूचर अपडेट्स। वेलकम टू योर चैनल, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपना चैनल दी हेल्थी रिव्यूज़ में। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है न्यू हर्ब कंपनी का T7 टेस्टोन। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट है जो कि इफेक्टिव है हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। करते हैं इसी के बारे में डिटेल में बात, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बने रहें मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो गाइस जैसे कि ये कंपनी है न्यू हर्ब्स कंपनी, जिसकी टैगलाइन ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, वी नो प्योरिटी। ये T7 टेस्टोस्टेरोन एक्सोटिक फार्मूला है जिसकी पैकेजिंग पे लिखा है कि मे नेचुरली सपोर्ट टेस्टोस्टेरोन, फॉरगेट योर लिमिट्स, टेस्ट योर स्ट्रेंथ नाउ, हाई पोटेंसी। और यहाँ पे एक्सपर्ट का नंबर भी दे रखा है 60 कैप्सूल। वो नहीं कर रहे हैं कि इसे लेने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, बट इट मे नेचुरली सपोर्ट योर टेस्टोस्टेरोन। इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारी वो चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, मिली टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारा बूस्ट करती हैं। बट इन्हें वही चीज़ें यहाँ पे मिला के एक मिक्सचर बना के कैप्सूल फॉर्म में ये प्रोडक्ट तैयार किया है। न्यू हर्ब्स बहुत अच्छी कंपनी है, इसका फिश ऑयल की वीडियो आप देख चुके हैं, इसके फिश ऑयल को मैंने टॉप रखा है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं है। इसको चेक करते हैं ये प्रोडक्ट कैसा है। तो पैकेजिंग का ओवरव्यू मैं आपको करा ही चुका हूँ, पहले इधर यहाँ पे पैकेजिंग पे कुछ मेंशन है। तो गाइस जैसे यहाँ चेक कर पा रहे हैं, दिस प्रोडक्ट इज 100% ग्लूटेन फ्री है, शुगर फ्री है, पीनट फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है। बहुत ही अच्छी बात है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। प्राइसिंग यहाँ पे MRP दे रखी है, एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस है उसकी बात करते हैं बाद में। तो गाइस ये सब यहाँ पे है, अब बात करते हैं मेन पार्ट, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स है गोकशुरा। तो गोकशुरा एक आयुर्वेदिक हर्ब है, जैसे कि आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे हैं, वाइटिलिटी वाइगर वाइटिलिटी में ये यूजफुल है। अश्वगंधा, जैसे कि नेक्स्ट है इसमें अश्वगंधा है, इसके अंदर 100 mg। अश्वगंधा क्या होता है, बेसिकली हमारे मूड को, जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसे डाउन करता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है अश्वगंधा। हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा तो गाइस सीधी सी बात है हमारे बाकी हार्मोन अच्छे वर्क करेंगे। इसके अंदर सफ़ेद मूसली इसके नाम 100 mg है, जो कि गाइस सफ़ेद मूसली भी काफ़ी पुराना आयुर्वेदिक हर्ब जो कि यूज़ होता आ रहा है, सेक्सुअली वाइटिलिटी के लिए यूज़ होता आ रहा है। फेनिग्रिक है, म्यूक्यूना है, शिलाजीत वी ऑन नो, जिसका फल्विक एसिड है 2.5%। फल्विक एसिड बेसिकली डिफाइन करता है कि क्वालिटी ऑफ शिलाजीत। सेकंड लास्ट है इसमें कोकिल लक्षा, इसके अंदर 50 mg, एंड है इसमें काली मिर्च। यहाँ पे 8 इंग्रेडिएंट इसमें मेंशन है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, सारी चीज़ें वर्चुअल हैं, आयुर्वेदिक चीजें जो कि हमारी मैन स्पेशली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट के लिए नेचुरली वर्क करती हैं, वो चीजें इन्होंने उन सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिया है, जैसे कि आप ये चेक कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पे इन्होंने दिया है अदर इंग्रेडिएंट्स एक्सीपिएंट्स क्वांटिटी स्टैंडर्ड। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को हाइड करके रखा है कि अदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, पर इन्होंने नहीं बताया। बट मैंने इनकी टीम को मेल किया था, जो कि इन्होंने यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है vkr@newhubs.com, कि एक्चुअल में अदर इंग्रेडिएंट्स में और क्या क्या इंक्लूड होता है। ये मेल किया था कि काइंडली गिव द डिटेल्स एंड प्लीज मेंशन व्हाट ऑल आर द इंग्रेडिएंट्स यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट। मंजारी श्रीवास्तव है टीम से, जिन्होंने ये मेंशन किया है द इंग्रेडिएंट्स यूज हेयर एज पर आयुर्वेदिक गाइडलाइन एंड अप्रूव्ड फॉर्मेशन आर ड्यू टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। वही सब है देखो, गोकशुरा है, अश्वगंधा, सफेद मूसली, फेनोग्रिक, म्यूक्यूना, अजीत, कोकिलशरा, काली मिर्च तक तो इन्होंने यहाँ पे भी दिए हुए हैं। काली मिर्च के बाद इन्होंने यहाँ पे दिया है अदर इंग्रेडिएंट्स पैकिंग पे एक्सीपिएंट्स क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्या है, अब वो यहाँ मेल में बात करते हैं। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट है, थिकनिंग एजेंट इसे थिक करने के लिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, एंटी केकिंग एजेंट है, मेज स्टार्च है, दिस इंटी मैग्नीशियम स्टीरियट एंटी स्टिकिंग एजेंट है ताकि ये स्टिक ना हो, टेलकम पाउडर है, ग्रेजिंग एजेंट INS 553। इंग्रेडिएंट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट पे नहीं दिए, बट जब मैंने इन्हें मेल किया तो इन्होंने मुझे मेल पे उसकी डिटेल्स मेंशन की। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ यहाँ पे कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया, जब ये इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं, ये थोड़ा अगर ये आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स में ना डालते और ज़्यादा अच्छा हो सकता था। चलिए कोई नहीं, अब मैं आपको यहाँ पे एक बार इसका बॉटल दिखा देता हूँ, इससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया, अगर ये नेचुरली रखते तो ज़्यादा बेटर वर्क करता। इस तरीके के इसके कैप्सूल्स आते हैं, बॉटल आप देख चुके हैं, ये कैप्सूल आते हैं इस तरीके। अब बात करते हैं इस कैप्सूल की, इस कैप्सूल के अंदर प्रोडक्ट के अंदर ये पाउडर नहीं है, ये कवर मैंने खोल दिया,
अंदर थोड़ा स्टिक हुआ हुआ सा कि आपस में चिपका हुआ, ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से है जो कि एक्सीपिएंट्स में मेंशन है, एंटी क्रैकिंग एजेंट, एंटी स्टिकिंग एजेंट, ये सब उसकी वजह से पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ा हार्ड है। कंपनी से पाउडर फॉर्म रखती तो आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा होता और प्रोडक्ट नेचुरल भी रहता। तो मैं अभी जस्ट बिकॉज ऑफ दी ये आर्टिफिशियल चीज़ें इसकी वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। करते हैं इसके रिजल्ट की। इसका रिजल्ट देखो गाइस, इसके अंदर नेचुरल चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इफेक्टिव आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स पे बना, आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स पे बना हुआ प्रोडक्ट है। इसके रिजल्ट्स तो हैं अच्छे, नो डाउट इन दिस, रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके। जब आप इसे लेना शुरू करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं किन लोगों को इसे नहीं लेना चाहिए। कंसल्ट योर डॉक्टर या फिजिशियन इफ़ यू हैव मेडिकल कंडीशन। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप इसे कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से। बच्चों से दूर रखें, ठंडी जगह, कूल स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, डू नॉट यूज़ इफ सील डैमेज, कीप द कंटेनर टाइटली क्लोज। कंटेनर को टाइटली क्लोज करके रखें, बच्चों से दूर रखें। अगर आपको कोई भी एलर्जी है, कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है तो गाइज उस कंडीशन में इसे यूज़ ना करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर कन्फर्म करें। गाइज बात कर लेते हैं अब इसके प्राइस की, क्या इसकी प्राइस रेंज है। किस प्राइस 1099 ज़्यादा MRP इन्होंने दी है, बट जो इसका एक्चुअल प्राइस है अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो 445 का ये आपको पड़ जाएगा Amazon से। बूस्टर सप्लीमेंट देख रहे हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा आप ये ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दिस। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ कंपनी अगर यहाँ पे नेचुरल रखती सारे इंग्रेडिएंट्स को और इसके अंदर एंटी क्रैकिंग एजेंट वगैरह नहीं मिलाती, एक्सीपिएंट्स इंग्रेडिएंट नहीं मिलाती तो थोड़ा अच्छा हो सकता था। गाइस ये 60 कैप्सूल्स आते हैं 445 के, बहुत अच्छी डील है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। और गाइस बताना चाहूँगा, हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो होती है वो 100% जेन्युइन होती है, बिकॉज हम प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही आप तक रिव्यूज़ देते हैं। 100% जेन्युइन रिव्यूज़ आप तक पहुँचाते आ रहे हैं और हम ऐसे ही आप तक रिव्यूज़ पहुँचाएंगे, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ हमें वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like